और क्वांटिटी है नाइन्टी करोड़ की है ना तो फोर्टी फाइव टू हंड्रेड करोड़ ये दे रहे थे, तो उसमें से नाइन्टी करोड़ इन्होंने पब्लिक सेल के लिए दिया है उसमें आप देख सकते हैं ओपनिंग है? आफ्टर टेन करोड़ मतलब इसमें आप यहाँ पे नीचे देखेंगे फॉर ईच हंड्रेड के टोकन सेल रेट विल बी इंक्रीज बाई पॉइंट जीरो जीरो सेवन पॉइंट फाइव इंडियन पैसा है ना तो रुपीज हो गया साढ़े सात रुपए इनका बढ़ेगा हर वन डबल जीरो के टोकन पे तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यहां पे इन्होंने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि कब कितना रेट होगा तो जब ये 90 करोड़ अचीव कर लेगा आफ्टर 90 करोड़ तो इसका रेट होगा नो डॉलर यानी कि छह सौ पिछहत्तर रुपए जब इसका आईसीओ क्लोज होगा ये इनके इन्होंने ग्राफ से दिया है आईसीओ टोकन रेट फोरकास्ट तो यहां पे आप देख सकते हैं वन हंड्रेड मिलियन टू हंड्रेड मिलियन तो कितने डॉलर पे कितना इसका प्राइस जाएगा तो जब ये नाइन हंड्रेड मिलियन पे जाएगा तो इसका नो डॉलर प्राइस हो जाएगा है ना तो आगे बात करते हैं टोकन डिस्ट्रीब्यूशन फेज की तो टोकन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए इनके तो ये यहां पे पब्लिक सेल में नवंबर 21 से और मई 2022 यानी कि छह महीने इनकी पब्लिक सेल चलेगी नवंबर 21 से शुरू हो गई है और मई 2022 तक चलेगी इनकी है ना और उसमें वही 45 परसेंट जो इन्होंने पब्लिक सेल के लिए दिया है और जो टोकन की वॉल्यूम है क्वांटिटी है मैक्सिमम वो है नाइन्टी करोड़ तो इसके बाद पब्लिक फेज जब मई में बंद हो जाएगी तो इनका टू डेज का है इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग तो दो दिन की इनकी इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग रहेगी और उसके बाद ये लाइफ टाइम थर्ड पार्टी एक्सचेंज लिस्टिंग हो जाएगी इसकी है ना मई में ही तो मई तक का टाइम है आप इसको अभी आईसीओ में ले सकते हैं परचेज कर सकते हैं आप यहां पे देख सकते हैं कि जो मई नवंबर से मई का है तो यहां पे ये मेंशन है, एक रुपए से छ सौ पिछहत्तर रुपए तक ये जाएगा है ना और उसके बाद जब ये आईईओ यानी कि इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग में ये आएगा तो इसका प्राइस होगा एक हजार रुपए जो कि मई में ही है है ना तो आपके टोकन की वैल्यू एक टोकन की वैल्यू एक हजार रुपए होगी मई में तो इस चीज को ध्यान में रखें जिन्होंने परचेज किया है वो होल्ड करके रखें इजीली आराम से आप कितना कमाएंगे ये आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं इस प्राइस से नेक्स्ट बात करते हैं स्टेकिंग की तो अगर आप स्टेक करते हैं टोकन को तो इसमें एक साल मिनिमम आपको स्टेक करना है तो और उसमें ईयरली बोनस इनके क्या है अगर आप ये टोकन की स्लैब दी हुई है और यहां पे ये परसेंटेज दिया हुआ है ईयरली बोनस का तो पांच हजार से उनचास हजार बिग बी अगर किसी के पास है और वो स्टेक करता है तो उसको अट्ठारह का ईयरली बोनस मिलेगा जो उसकी प्राइस है जो वो बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी ही उस प्राइस पे उस टोकन पे उसको अठारह